नमस्कार, उत्तराखंड की आवाज़ न्यूज़ चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आ रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली खबर मिले सबसे पहले आपको। वन ग्रामों में रामनगर विधानसभा के अंदर 24 वन ग्राम है जिनको बसे हुए कम से कम 130 साल हो चुके हैं। 130 साल के अंदर सरकारों ने, जिनमें कि 90% एससी के लोग भूमिहीन हैं, जिनकी सरकारों ने अनदेखी की है आज तक। 130 साल कम नहीं होते हैं। और मैंने एक जो बेड़ा उठाया है लोगों की, जो आज मतलब वास्तव में जो समाज की चेतना है वो आज जाग गई है कि हमें हमारे अधिकार मिलने चाहिए। और आज डबल इंजन की जो सरकार है उसको कम से कम जरूर ये हमारी अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं देते हैं तो हम यहाँ आत्मदाह कर देंगे, क्योंकि सरकारों द्वारा जो जाति उत्पीड़न हुआ है इसको सरकार को भी मानना पड़ेगा। क्योंकि हम मतलब जो वोट मांगते आए हैं और वोट देते आए हैं, हम लोग लोकसभा में प्रतिनिधि भेजते आए हैं, विधानसभा में प्रतिनिधि भेजते आए हैं, उन लोगों ने आज तक मतलब पिछली बार जो हुआ कि बीजेपी सरकार द्वारा वहाँ पर एक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी और सुंदरखाल को 1 महीने के अंदर उठाने की बात कर दी, तो उस समय वो भी बेड़ा हमने उठाया था। और उस समय जो हमारा साथ दिया था वास्तव में, क्योंकि ये एहसान है, अगर कोई आदमी साथ देता है तो उसका एहसान मैं कभी ज़िंदगी मानता हूँ। तो उस समय माननीय पूर्व विधायक सल्ट रंजीत सिंह रावत जी ने जो हमारा साथ दिया था उनका मैं एहसान बिल्कुल एहसान बंद हूँ, आज भी एहसान बंद हूँ, क्योंकि उन्होंने जो हमारा वहाँ पर सुंदरखाल 1 महीने में उठाने की बात कही थी तो उस समय आपका साथ जरूर मिला है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ नहीं दे रहा हूँ इस बात को कि अगर हमारे 1 हफ्ते के अंदर हमारी मांग पूरी नहीं हो तो हम यहाँ पर सामूहिक आमरण मतलब सामूहिक दाह संस्कार कर देंगे। हम मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं हमें मार देना। अरे 100 साल से 130 साल से मरे हुए तो हम लोग हैं, 130 साल से मरे हुए तो लोग हैं। सरकार मतलब एक बिजली पानी कुछ भी तो सुविधा दी गई होती, शर्म करो यार। सरकारों को शर्म करना चाहिए। दलितों का वोट चाहिए लेकिन उनके अधिकार नहीं, उनको अधिकार नहीं देने। ये सरकारों का नाटक आप नहीं चलेगा, उनसे हम आगाह कर रहे हैं ये नाटक बंद कर दो। आज वन ग्रामों की एक संरक्षक समिति बनी है रेवी राम जी के संरक्षण में, उसके नेतृत्व में सारे लोग वन ग्राम वासी सरकार से मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर, जिनमें बिजली पानी सड़क शिक्षा की मूल मांगे हैं और राजस्व ग्राम गलाने की मांग है, उन मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ ये जनाक्रोश रेवी राम जी के नेतृत्व में वन ग्रामों का यहाँ पर पहुँचा है, जिसमें हम सब लोग सहभागी हैं। और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि वो जैसा पिछली सरकार ने वन ग्रामों को मूलभूत सुविधाएं देने संबंधित प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार को भेजा है, तो भारत सरकार तत्काल उसका निराकरण निस्तारण करके इन सारे वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करे। और राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया तक जो समय लगता है तब तक तत्काल मूलभूत सुविधाएँ बिजली पानी सड़क स्वास्थ्य की उपलब्ध कराए।